और दोस्तों मेरे थ्रू ना नौनचक लाठी तलवार तीनों चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और वेपन सीखने की फीस कोई सा भी कोर्स 3 महीने का होता है और इसकी 1000 रुपीज़ मंथली फीस होती है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी वेलकम है। केवल 500 मंथली फीस पे करके आप अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करा करके आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि और बच्चे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल तक हम आपको भेज सकते हैं खेलने के लिए। तो आप सही जगह जुड़िए और सही चीज़ कीजिए। टाइम पास कर रहे हैं और कहीं पे किसी के शो ऑफ के पीछे जा रहे हैं तो आपका भला नहीं होना है। भला उसका होना है जो शो ऑफ कर रहा है, भला आपका किसी एंगल से नहीं होगा। आपका भला तभी हो सकता है जब आप सही जगह जुड़ें और सही बंदों से जुड़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं आप। तो कैसी लगे आपको वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वीडियो नोटिफिकेशन तब आता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन कुछ टाइम बाद बंद कर देता है यूट्यूब। तो फटाक से लाइक किया कीजिए। देखिए हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपको छोटा सा हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो लाइक कर दिया कीजिए। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने होते आपके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता, बस छोटा सा लाइक होता है, लाइक कर दिया कीजिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो वायरल हो सके। गाइस कैसे हैं आप लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉनचक से कैसे अटैक करते हैं, कैसे इससे किसी के ऊपर हिट किया जाता है। एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने दोस्तों कुछ वीडियोस देखे कल, नाम नहीं ले सकता यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो लोग क्या कर रहे थे, मार यहाँ से गोल गोल घुमा के यहाँ पकड़ रहे थे, यहाँ से गोल गोल घुमाया। तो देखिए एक जनता को एक बेवकूफ़ बना देना, छोटे छोटे बच्चे आपसे सीख रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें सिखा देना, वो खुद को ही मार के घायल कर लेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसकी टेक्निक्स हैं। आप वही टेक्निक अगर आप दूसरी जगह पकड़ के कर रहे हैं तो अपने आप को अटैक करके अपने आप को ही चोट पहुँचा लेंगे। सही चीज़ पकड़ रहे हैं तो अगले को ही अटैक जाएगा। ये जितनी अच्छी चीज़ है उतनी बुरी चीज़ भी है, इसका चोट खुद को भी आप मार सकते हैं। और इवन ये आपके साथ सीखते समय हुआ भी होगा अगर आपने सीखने की कोशिश की होगी तो। तो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीका और जेन्युइन तरीका क्या है नॉनचॉक को यूज़ करने का इन रोड फाइट फॉर अटैक। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि नॉनचॉक को कभी भी अपने कंट्रोल में रखिए। ये दिमाग में मत रखिए कि मैं कोने में पकड़ता हूँ और लंबा सा खींच के मारूंगा इसको और गिरा दूंगा, पक्का आपको चोट बैठेगी। हमेशा नॉनचॉक को यहाँ पकड़ना है जंजीर के 1 इंच नीचे, ताकि आप यहाँ से इसे रोल भी आसानी से कर पाओ और ये कैचिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज़, नॉनचॉक को कभी भी दौड़ा के मारने की कोशिश मत कीजिए। जो पास में आ रहा हो उसके ऊपर ही अटैक सही रहता है। आप दौड़ते हो, आप जा रहे हैं, आप मार रहे हैं उसको, तो ये घूम करके दौड़ते समय आपके हाथ पैर में लगेगा जरूर। ना हो तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा फॉर्म में नॉनचॉक से, ये सब इंजरीज आएंगे आपको। तो अब बताता हूँ कि अटैक्स कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अटैक करते हैं फोरहेड पे, माथे के ऊपर, ये साइड से, यहाँ से ये, ठीक है। और इसमें ये नहीं चलता है, ये गोल गोल ये नहीं चलता है, ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। मेरे भी एक स्टूडेंट पूछा है, उसने मेरे पास वीडियो शेयर की, सर ये क्या है, मैंने बोला ये एक फेक चीज़ है। देखिए सही गाइडेंस से भी सही जगह पर होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से आप शोल्डर के ऊपर, कभी भी आपका शोल्डर ये डाउन नहीं रहना चाहिए नॉनचॉक चलाते समय, ये अगर डाउन रहेगा तो आप खुद को ही हिट कर लेंगे। देखिए ये 1, और ये कंट्रोल कैसे करते हैं वो देखिए, हमने हिट किया ये और नॉनचॉक को यहाँ आते आते इस पे ले लेते हैं, आधी जंजीर और आधा शिकड़, जो इसी जंजीर और ये स्टिक हाफ से कर लेते हैं ये, तो हमें चोट नहीं बैठती, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि एक बार करेंगे आपको आ जाएगा, दिन पर डे आपको रोज़ रोज़ 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है। दूसरा होता है ये पकड़े और यहाँ से सामने आते बंदे के लिए फोरहेड, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कोच आपको कहता है ये प्रैक्टिस करो और पकड़ने का आधा ही जंजीर होता, पीछे देखिए स्टिक निकला हुआ है, वो बाहर रहना चाहिए। आप यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो चोट बैठेगी। तो हमें क्या करना होता है, ये और सर के ऊपर 1, ठीक है। यहाँ से एक अटैक और निकलता है, ये होता है यहाँ से ये फोरहेड के लिए, ये देखिए बताता हूँ आपको 1, ये चीज़, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 अटैक्स। अब होता है नीचे से चिन के लिए, ये होता है इस तरीके से, यानी कि कोई सामने से आ रहा है तो हमें यहाँ नीचे से अटैक करना होता है, ये अपसाइड ये डाउन साइड, ठीक है। यही अटैक्स होते हैं। और इसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो रोलिंग के साथ एक अटैक जोड़ सकते हैं, वो क्या होता है अटैक 1, यानी यहाँ से खींच करके इधर मारने लिए। अब आप यहाँ से इधर में घुमा के मारना चाहते हैं, राउंड हो जाएगा, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस तरीके से ही आप नॉनचॉक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।
वंदे मातरम।